यहाँ पे देख फिर सकते भी हैं। तो वो गाइस सबसे पहले भांगचांग बना निकले, जो लोकल बियर बोला था, जो मतलब कि रागी जिसको हम मन पकासेंगे। पक्के जो दान था वो जो पक्के पूरा निकल दिए, निकल गए देख सकते हो। यो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में क्या होने वाला है फिर से यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ, जस्ट अभी उठा और यहाँ में मेरा मम्मी लोकल दारू बना रहा था। तो आज आप लोगों को प्रोसेस पूरा दिखाया जाएगा। तो यहाँ में देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ में क्या बोलते रहे, इसमें जो लोकल आरा बना रहा है हम लोग का लोकल दारू, व्हाइट व्हाइट मतलब एकदम पानी कलर का होता है, जो कि यहाँ में थोड़ा सा बना के हुआ है। तो इसका मैं देख सकते हैं, तो गाइस अभी यहाँ में जो क्या होता है दारू को बनाने का एक मेन प्रोसेस चल रहा है। हम देख सकते हैं पानी डाल के इसका अंदर में वो डाला है, कहाँ देखा था मैं, धान डाला हुआ है देख सकते गाइस आप लोग। यहाँ में हम देख सकते हैं गाइस अभी इसको धान डाला है, वो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखो गाइस। तो गाइस अभी ये नहीं पका, इसको एकदम पकने देते, इसका तो भी बहुत कुछ प्रोसेस करते। सबसे पहले पानी को उबाल के इसका ये धान को डाल के इसको इसको अच्छे से पकने देते, इसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे करके अभी प्रोसेस बताया जाएगा किस तरह से लोकल दारू बनाए जाते हैं। हो तो इसको जो जो अभी मैंने आप लोगों को देखा है, वो जो सिर्फ क्या बोलते रहे, जो अभी जिससे बना रहे ना, उससे दो तरह का बनता है, एक जो लोकल आरा और एक जो लोकल बियर, मतलब बांगछांग बोलते हैं हम लोग अपने मुंबई से, और हिंदी और इंग्लिश से क्या बोलते हैं आई हैव नो आइडिया। तो इसको सिर्फ दो तरह का बनाते हैं, तो इसके बाद चलिए और दिखाते हैं आइए। मैं तो गाइस अभी क्या बोलते रहे, यहाँ में कुछ अलग प्रोसेस हो रहा है, अभी आपको दिखा रहे दिखाएगा। यह मैं देख सकते गाइस अभी मरुआ डाल रहा है, मतलब कि रागी जिसको हम मन पकासेंगे। कॉम्पो देख सकते गाइस, हलम तो नहीं हम, यहाँ में देख सकते हैं पूरा डाल ही दिया हमें, कहीं रुको गाइस आप लोग को दिखाई गई से। हाँ देखो गाइस रागी डाला हुआ है मरुआ, तो इसको भी मिक्स करके इसके बाद इसको भी पकाया जाएगा। देखो गाइस कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए गाइस इसको फिर पकने देते हैं थोड़ा देर। तो गाइस यहाँ में कुछ इसको जो बना कर पूरा बना कर होने का कुछ इस तरह से होता है, आपको दिखा देगा, लेकिन मैं आपको प्रोसेस तो दिखाया जाएगा। यहाँ देख सकते कुछ इस तरह का है इसका, इससे बांसांग भी बनाते हैं, इसका तारा भी बनाते, और एक चीज ये जो बांसांग है अभी इसका जो झूल होता है आपको दिखाएगा। देखो गाइस इसका कुछ झूल जो है यहाँ यहाँ गाइस कुछ इस तरह से। पांचांग बना निकले, जो लोकल बियर बोला था, जो मतलब ये जो दारू है इसको बनाने को अलग होते, लेकिन भी मतलब पीते तो ये भी है ना, मतलब इसको बनाने के लिए अलग है बोला, पीता तो यही है। अभी तो इसे आपको दिखा रहे हो, कुछ इस तरह का होता है पूरा, मतलब जो ये सिर्फ झूला निकले कुछ अलग से बनाते हैं, वो जब नहीं आपको दिखा रहा था। तो गाइस तो दोस्तों आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो और आगे का प्रोसेस थोड़ा बाद में बताएगा, क्योंकि अभी उसको एकदम पकने देते हैं, इसका तो और बहुत कुछ करते हैं, उसको सुखाते हैं, इसका मिक्स करते हैं, एक वाइट खसर क्या क्या मिक्स करके क्या क्या करते हैं, इसके बाद इस तरह का बनते हैं। तो चलिए गाइस थोड़ी देर को बाद दिखाते हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं। तो गाइस अभी आप लोग को दिखाएगा यहाँ पे जो लोकल आरा है वो जो किस तरह से अंदर में रखा होता है, ये जो पानी है इससे ये पानी गर्म होते हुआ पता चल जाता है। कितना बार निकलते हैं हम, तीन बार ये पानी को निकलते हैं, इसके बाद अंदर का जो लोकल दारू है, लोकल हम लोग का वाइन बोले आरा, वो जो पक जाते हैं। रुकिए गाइस अभी इसको उतार देगा, यहाँ देख सकते हैं गाइस इसका अंदर में यार बहुत ही भाव है, बहुत ज़्यादा रुकूँगा गाइस थोड़ा से। अभी डाल रहे हैं देखो गाइस, ये जो लोकल आ रहा है अब इसका अंदर से, यहाँ देख सकते गाइस
यहाँ से निकल रहे हैं, अलग से बाटी जो आप लोग दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से जगह नहीं दे रहे तो आप लोग क्या बोलते रहे, थोड़ा सा क्वालिटी को हाई कर दीजिएगा। हमें देखो गाइस ये जो है आ रहा, इसका गन पूरा बहुत ही भयानक है, पूरा मेरा कान नाक पूरा हो रहा है सुन कर। मेकिंग ऑफ लोकल वाइन। ये जो गाइस जो इसके अंदर है, इसको साइड में देख सकते हैं गाइस, जो अभी जो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, लेकिन जो साइड में है ना गाइस, इसका अंदर का साइड में है वो जो, रुकूंगा गाइस अभी थोड़ा दिखाई। देखो गाइस ये बाटी में, देखो गाइस ये बाटी में हम लोग डालते हैं, बहुत ही गर्म देख सकते हैं गाइस, ये बाटी का अंदर डालते। ये बाटी बहुत पुराना हो गया, कितना साल हो गया होगा अभी, 10 साल तो गया तो 5 साल कुछ हो गया बोलते का। ये मिट्टी का है बोलते हैं, मिट्टी का मट बनाया है, देख सकते हम लोग इसके बाद इसके अंदर में। देखो गाइस जो अभी वहाँ में पका रहा था ना फर्स्ट में, वो जो डाल रहे हैं उससे बनाए थे, उसको साइड में रख के उसको मिडिल में डाल के इस तरह से बनाए जाते हैं। और दोस्तों मतलब और सब लोग सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते, खाली वो डालते हैं, वो चीज़ जो डालते हैं, इसके बाद इसका अंदर पानी डाल देते हैं, इसका पानी में टेस्ट जो पूरा उसका आ जाते हैं, हम देख सकते हैं। देखो गाइस सबसे पहले आपको पानी थोड़ा सा डालते हैं, इसके बाद यहाँ से दारू लेके आते हैं, दिखाएगा किस तरह से ये जो लेके जा रहे। देखो गाइस हमने बोला था ना इससे पांचंग भी होते और लोकल बियर भी होते और लोकल आरा भी होते। देखो गाइस अब यहाँ से लेके जा रहे लेके जा रहे, उसके बाद अभी यहाँ देखो गाइस डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला था इसका डाल दिया है, देख सकते हो लोग, और थोड़ा सा पानी डाल दें। उसके बाद और थोड़ा सा पानी डाल दें, पानी ज़्यादा नहीं डालने से जल जाएगा बोलते, इसलिए थोड़ा पानी डालना है, पानी नहीं डाल के आप लोग डायरेक्ट डाल देगा तो जल जाएगा, इसलिए पानी डालते हैं इसका। ओ ये देखा तो हम तो गाइस ये भी लकड़ी का है, इससे क्या करता है हम, ओ ये जो क्या है बोलने से गाइस, इसको ऊपर रखने के लिए, ये जो जो मटका है ना वो जो रखने के लिए, बहुत ही अजीब बढ़िया है। अब यहाँ में थोड़ा सा पानी डाल के ये पानी जो बाद में हो जाएगा आ रहा गाइस। तो गाइस कुछ भी ऐसे गन्ना से नहीं बनाते, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सफा से बनाते आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले तरफ का आदमी लोग का बहुत सुना है कि कोई लोग चप्पल ये सब डालते हैं, ऐसे कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है गाइस, हमको सफा से बनाते हैं। देखो गाइस सब लोग देख रहा होगा अभी तो, इसका फिर इसको भी थोड़ा सा धुलाना है आप लोग, धुलाने के बाद यहाँ में रख लीजिए बस, अब इसके ऊपर पानी डाल दो, इसका ये पानी को एकदम गर्म होने का 2-3 बार गर्म, एक बार गर्म हो जाएगा फिर निकालो, फिर एक बार डालो फिर गर्म, फिर निकालो, ऐसे कर करके 3 बार करने के बाद निकल के इसको आरा को डाल देते हो, तो आप लोग को दिखाइए। यो 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 तो अभी आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो सब कुछ दिखाई दिया किस तरह से बनाया था, आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी जो वहाँ में मेन पका रहा था ना वो थोड़ा पहले जो फास्ट में आप लोग को देखा जो पका रहा था, उसको किस तरह से मतलब ये इसमें लेकर आते वो जो आप लोग को बताएगा, उसके लिए थोड़ा और हमको कम से कम 1 घंटा कुछ मतलब शाम तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सुखाते हैं, इसके बाद कुछ मिस करते हैं, इसके बाद फिर इस तरह से बनाते। तो गाइस चलिए फिर थोड़ा आफ्टर 4-5 आवर्स के बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी पक चुका है, अभी इसको नीचे में क्या बोलते इसको सुखाएगा, थोड़ा ठंडा कराएगा, देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरह से हुआ है, देख सकते गाइस कुछ इस तरह से हुआ है, बहुत ही गर्म है, अभी इसको ठंडा करेगा।
तो दोस्तों अभी इसके ऊपर डाला जाएगा। देख सकते हो चावल जो पक के जो दान था वो जो पक के पूरा निकल दिए निकल गए। देख सकते हो वो जो लोग हाई फाइव पढ़ रहे हैं वो लोग सीख सकते हैं हम लोग ये सब। ओ कैमरा पूरा रोल कर दिया। यहाँ भैया ने भाभी को भी सीखो बोल रहा है किस तरह से दारू बनाते। तो दोस्तों अभी इसको एकदम ठंडा होने देगा। ठंडा होने के बाद इसका क्या बोलते हैं एक दवाई डालते हैं इसका अंदर वो जो आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसके लिए अभी इसको एकदम सूखने देना है। सूखने बोलते मतलब एकदम ठंडा होने देना है। इसके बाद उसको मिक्स करते हैं। तो चलिएगा इसे एकदम ठंडा होने देते हैं इसको। इसके बाद आप लोगों को दिखाएगा। तो दोस्तों अभी रेडी हो चुका है मतलब ठंडा हो चुका है। तो अभी इसको यहाँ दवाई डाल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ओ वो थोड़ा छप दिया कहा देखा तो हम दवाई कुछ इस तरह का है। हम इसको क्या बोलते हैं पप मोनपा से फप हिंदी से दवाई मोनपा से फप बोलते इसको। आप लोग क्या बोलते हैं गाइस प्लीज कमेंट टू कमेंट इस तरह का डालते हैं डालेगा। ओह से मिक्स करते हैं पूरा चिपटा करके। कुछ इस तरह से ये पूरा को मिस कर देगा। ऐसा वाला ज्यादा नहीं डालना है ना। ज्यादा डालने से ज्यादा इकट्ठा हो जाते बोले इसलिए ठीक ही डालना पड़ता है। देखो गाइस हमने बोला ही था आप लोगों को कि हम इसको ये हयांग के अंदर डालेगा बट्टी के अंदर। उसके बाद इसको बढ़िया से पैक कर देंगे। पैक करके इसके बाद हमें क्या करते पैक करने का रख देते ऐसे ही। इसके बाद अपना आप जून निकालते इसका। इसके बाद अपना आप जून निकालते इसका बांचा शो नो मेरे हम। इसका तो बांचा हो जाते लेकिन आरा नहीं होते लोकल आरा नहीं बनते लेकिन लोकल बियर बन जाते। इसका तो अपना आप जून निकालते तीन दिन रखने के बाद गाइस ऐसे इसमें इसका अंदर 3 दिन रखने के बाद इसके बाद हम लोग को बकेट का अंदर डालना है। जो बकेट हमने थोड़ा पहले आप लोग देखा था वहाँ में इसको तो बकेट का अंदर डाल देना है आप लोग को। 3 दिन के बाद 3 दिन ऐसे ही रखना है इसको इसके अंदर रखना है। तो यो गाइस आई होप आप लोग को क्या बोलते रहे ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोग को कुछ पता चला होगा हम लोग लोकल आ रहा। तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आदमी लोग को पता चले किस तरह से हम लोग को मनपा लोकल वाइन बना जाता है। तो इसके बाद आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए करिएगा। और अगर आप लोग नया है मेरे ये चैनल पर तो लाइक और लाइक बोलते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो या इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग मज़ेदार पर मज़ेदार। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग दूसरे मज़ेदार ब्लॉग के साथ। सो यो गाइस।